अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और मेरी तरफ से सबको चांद रात की बहुत बहुत मुबारकबाद, इसलिए कि 6:30-7:30 तो हो गए, इफ्तार का टाइम बिल्कुल करीब है और जैसे इफ्तार होगा तो चांद रात स्टार्ट हो जाएगी। तो सबको मेरी तरफ से दिल से चांद रात बहुत बहुत मुबारक, और जहाँ पर आज ईद है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला ऐसी बहुत सारी चांद रातें और ईदें हम सबको नसीब करे खुशियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रमज़ान गुजरा, बहुत ही मज़े का, बहुत अच्छे से। बस अल्लाह पाक हमारे रोज़े नमाज़ें सब कुछ कबूल करे इंशाल्लाह, और ये ईद की खुशियाँ हम सबको नसीब करे इंशाल्लाह। अभी से मेरा चांद रात का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, तो बस यहाँ पर मेरा थोड़ा सा काम हो जाता ही है। हमेशा ऐसा होता है कि मैं दूध या चाय के लिए खड़ी होती हूँ ना, तो कभी मेरा फोकस बिल्कुल वहीं पे होता है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि वो घिर ही जाता है, तो अमूमन कभी हो जाता है। तो चले इंशाल्लाह यहाँ से मेरा चांद रात का ब्लॉग स्टार्ट होता है। आज मैंने ज़्यादा इफ्तारी कुछ भी नहीं बनाई, बस फ्रूट्स कट किए और थोड़े से पकोड़े आज मैंने बनाए। आपको तो पता पकौड़ों के बगैर इफ्तारी नहीं होती, तो उसके अलावा मैंने डिनर रेडी किया है। अब वही डिनर करेंगे, वही रूटीन अब स्टार्ट हो गई है इंशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह मामा लोग भी आएंगे फिर चांद रात में, जो भी होगा मेहंदी लगाएंगे, जो भी मस्तियाँ करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। जी गाइस, तो हमारी हो गई है चांद रात शुरू, खाना वाना हमने खा लिया है और अब हम लगा रहे हैं मेहंदी यहाँ पर और उसके बाद एंजॉय करेंगे। जी गाइस, तो अब मेहंदी का टाइम शुरू हो गया, फन टाइम होता है, बहुत ही इंजॉयमेंट टाइम होता है। मेहंदी, चूड़ियाँ और खाना पीना साथ छोटा मोटा लगा रहा, बहुत ही मजा आया। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज ईद का फर्स्ट है और इतना अच्छा लग रहा है। हर मस्जिद में ईद की नमाज़ हो रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सुबह सुबह ईद का दिन सबसे अलग ही होता है ना, माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दिन है, माशाल्लाह से सुबह हो गई है, हमने शीर खुरमा खा लिया, नमाज भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम हो गए रेडी। और आज मैंने ये आउटफिट पहना है, ये मैंने नेट का बनाया था, मेरे पास ये नेट बहुत टाइम से रखी हुई थी, तो मैंने ये बना लिया इस ईद के लिए माशाल्लाह से। और अभी हम रेडी हो गए, उसके बाद फिर जाएंगे हम लोग इरहा की दादी के घर। और इरहा भी ये माशाल्लाह से यहाँ पर इरहा खड़ी है। इरहा को मैंने रेडी कर दिया है, तो बस इंशाल्लाह चांद रात में। उसके अलावा मैं फिर कुछ और शूट नहीं कर पाई और बस उसके बाद फिर काफ़ी लेट हो गए, सो गए, तो फिर सुबह को तो पता है जल्दी उठना पड़ता है, नमाज होती है, उसके बाद फिर अब वही रूटीन स्टार्ट हो गई हमारी जो नॉर्मल होती है। तो बस देखें इंशाल्लाह जो भी आज का दिन होगा आपके साथ शेयर करते हैं, और फिर इंशाल्लाह ये व्लॉग यहीं पर रात तक एंड। ये है मेरा आउटफिट नेट का पूरा, मैंने एक फ्रॉक टाइप बनाया था, इससे मैंने नेट का शिफ जो है प्लेन दुपट्टा रखा है। इरहा भी यहाँ खड़ी है, इरहा और मेरा मैचिंग का नहीं मिला, इरहा का मुझसे मैचिंग का कलर नहीं मिला, इसलिए मैंने फिर ऑरेंज ले लिया इरहा के लिए। जी फ्रेंड्स, तो मैं हो गई हूँ रेडी और बस अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग निकलने लगे हैं, इरहा की दादी के घर जाएंगे। आज वहाँ पर है हमारा डिनर, हमारा लंच, उसके बाद फिर शाम में जो भी हुआ देखेंगे, थोड़ा घूमे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे। और उसके बाद कल मैंने रखी है दावत अपने घर में सबकी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर वाफिर से इंशाल्लाह करे, हलीम की दावत है। तो कल इंशाल्लाह आज का व्लॉग मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगी, आज और कल का व्लॉग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, अपनी रेसिपी भी और सबका मतलब जो सब आएंगे वो भी इंशाल्लाह। और आप लोग बताइए आप लोगों की ईद कैसे गुजरी? हमारी तो बहुत अच्छी अभी तक गुजरी और आगे भी इंशाल्लाह अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स, तो आज माशाल्लाह से ईद का फर्स्ट डे बहुत ही अच्छे से हमारा स्पेंड हो गया है, सबके साथ बहुत मज़ा आया, अच्छा अच्छा खाना खाया, बातें की, इंजॉय किया माशाल्लाह से। और अभी मैं ये वाला ब्लॉग यहाँ एंड करके सेकंड ब्लॉग अपना स्टार्ट करती हूँ और अपनी हलीम की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कल मेरे घर दावत है, वो ब्लॉग भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग होगा मेरा। तो आपको मेरा ये ब्लॉग वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और अच्छे अच्छे ईद मनाएँ, खाएँ पिए, इंजॉय करें, खुश रहें, प्यार बांटें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।